नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार विराट कोहली, स्मिथ और जो रूट में से किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक दोहरे शतक लगाए हैं, और जानेंगे पूरे डेटा के बारे में, यानी कि उनके पूरे आंकड़ों की लिस्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग भी विराट कोहली को एक बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो चलिए, अब आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐसी सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने दोहरा शतक लगाया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ ने 319 गेंदों में 24 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 211 रनों की पारी खेली, और वहीं इस दौरान शानदार पारी की दौलत स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में शतक और रनों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट में से किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक दोहरे शतक लगाए हैं। तो दोस्तों, पहले जो इस लिस्ट में तीसरा नाम है वो निकल के आता है जो रूट का। जी, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 85 टेस्ट मैचों में 16 शतक लगाए हैं, जिसमें से उनके 2 दोहरे शतक शामिल हैं। और वहीं जो रूट ने साल 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 254 रनों की पारी खेली थी, और वहीं साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ जो रूट ने नाबाद 200 रनों की पारी खेली थी। तो ऐसे में जो रूट ने 85 टेस्ट मैचों की 155 पारियों में 6894 रन बनाए हैं। तो उनके जो दोहरे शतक रहे हैं वो 2 ही रहे हैं मात्र। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की, जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो है स्टीव स्मिथ। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 67 टेस्ट मैचों में 26 शतक लगाए हैं, जिसमें से उनके नाम 3 दोहरे शतक शामिल हैं। तो वहीं हम आपको बताएं कि स्टीव स्मिथ ने अपने 3 दोहरे शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं, और उन्होंने साल 2017 में 239 रनों की पारी खेली थी, और वहीं 2015 में उन्होंने 215 रनों की पारी खेली थी, और ऐसे सीरीज में यानी कि 2019 में चौथे टेस्ट में उन्होंने 211 रनों की पारी खेली है। तो स्टीव स्मिथ ने 67 टेस्ट मैचों की 121 पारियों में 6788 रन बनाए हैं। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम बात करें विराट कोहली की, तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने 89 टेस्ट मैचों में 25 शतक लगाए हैं, जिसमें से उनके नाम 6 दोहरे शतक शामिल हैं। तभी हम आप लोगों को बता दें कि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 2 दोहरे शतक और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-1 दोहरे शतक लगाया है। और वहीं टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का सर्वाधिक स्कोर 243 रनों का रहा है, और जो उन्होंने साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। और वहीं विराट कोहली ने टेस्ट मैचों की 135 पारियों में 6749 रन बनाए हैं। तो इसमें विराट कोहली हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाए हैं अपने टेस्ट करियर के दौरान। तो ऐसे में आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का 3 के 3 खिलाड़ियों में से कौन सा वो खिलाड़ी सबसे फेवरेट खिलाड़ी है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली एक ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।